ये 46 फंदे का बना है, ये हम 46 फंदा डाल लिए हैं। ये 9 लाइन बना है, 18 सिलाई। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया है 18 सिलाई। यहाँ बीच में घटाना है, 13 फंदा इधर छोड़ेंगे, 13 फंदा इधर छोड़ेंगे, बीच का 20 फंदा घटाएंगे, 2 का 1 1 करके ये घटा है, इसी तरह इसमें घटेगा। ये 13 फंदा बुन लेंगे, ये 13 फंदा हो गया। अब यहाँ बीच का फंदा 20 फंदे घटेंगे, ये 2 फंदे को एक बार बुन देंगे, एक फंदा घट गया, फिर इस तरह इसको उतारेंगे नहीं, इस फंदे को उतारना नहीं है, इसी पे रहेगा, दूसरा इस तरह घटेगा, 2 फंदे घट गए, 3 घट गए, इसी तरह 10 फंदे घटेंगे, 20 फंदे में 10 फंदे घटेंगे, 10 फंदे बचेंगे, दस फंदे घट गए, 20 फंदा है बीच का, ये 20 फंदे में 10 फंदे घटे हैं, 10 फंदे इसी पे हैं। अब इधर किनारे 13 फंदे हैं, अब इसको बुन लेंगे, इधर से भी 13 फंदे बुनेंगे। बीच के 10 फंदे घटाना है इस तरह, उल्टे सिलाई से, ये उल्टा सिलाई है, ये पूरा बुन लेंगे उल्टा, सीधे में घटेगा, 13 फंदा ये बुन लिए, बीच का 10 फंदा और ये किनारे का 13, ये सारा उल्टा बुनेंगे।
ये उल्टा सिलाई बुन लिया, अब ये सीधा सिलाई है। इसमें 13 फंदा बुनना है किनारे का। किनारे का उठा लिए, तेरा फंदे बन लिए। अब इसको घटाएंगे, बीच के फंदे को। धागे को उल्टा कर लेंगे, पीछे करके इस तरह दो का एक किए, फिर इस फंदे को इसी पे ले लेंगे। इसको लेकर एक फंदा और लेकर घटाएंगे। दो फंदे घट गए, फिर इस फंदे को इस पे लेंगे। इसको सीधे साइड से भी घटाते हैं। पिछली बार हम उल्टा सिलाई में धागे को उल्टा करके घटाए हैं, अब सीधा करके दिखा रहे हैं। इस तरह से भी घटाते हैं। ये फिर इसको फंदे को इस पे लेंगे, फिर दो फंदे को लेकर घटाएंगे। इसी तरह पूरे 10 फंदे घटेगा। किनारे का 13 फंदा बच जाएगा। ये देखिए, एक फंदा और घटेगा, पूरे 10 फंदे घट गए। अब ये 13 फंदा बुन लेंगे। ये किनारे का उठा लिए, अभी उल्टा सिलाई भी पूरा 13 फंदा बुन लेंगे। अब यहाँ हम 13 फंदे बढ़ाएंगे। ये पट्टी बनाने के लिए 13 फंदा इधर और 13 फंदा इधर, दोनों साइड 13-13 बढ़ेंगे। इधर हम बढ़ाकर दिखा रहे हैं।
तेरह फंदे बढ़ गए। अब इसको यहाँ से बुनेंगे। ये 13 फंदे बुन लिए, अब ये 13 ये भी बुनेंगे। अब एक साथ बुनना है। अब ये सीधा सिलाई है, ये उल्टा सिलाई है, इधर सीधा है। अब इधर से भी बुनेंगे, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। अब ये पूरे 26 फंदे हो गए हैं। एक लाइन बन गए हैं, दो लाइन और बनेगा, ये 3 लाइन का बनेगा। किनारे का उठा लेना है, इस तरह दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर 3 लाइन बनाना है। ये 3 लाइन हो गए हैं, 1 2 3। अब इसको घटाना है। हाँ, सीधे साइड से, यानी अपने साइड रखना है धागे को, 2 का 1 करना है। 1 घट गया, ये 2 घट गया। ये इस पे फंदे को इस पे ले लेना है, एक इसमें से लेकर घटाना है। इसी तरह सारे फंदे को घटा देना है, इस पे लेकर के इस तरह से ये घटाना है, ये पूरा घटेगा।
ये सारे फंदे घट गए। अब यहाँ उनको काट लेंगे 13 फंदे बढ़ाकर और 13 फंदे ये 26 फंदे का इस तरह पट्टी बनाएंगे। बनाकर इसकी सिलाई करना है ऐसे, ये सिलाई होगी और ये सिलाई होगी। यहाँ सिलाई हुआ है, ये चीज़ है, यहाँ इसको सिलाई करना है इस तरह। यहाँ फिर सिलाई होगा, ये और ये सिलाई हो जाएगा। और इसको हम इधर करेंगे, इस पट्टी को इधर बुनेंगे। जैसे ये इधर गया है और ये इधर आया है, इसको पूरी सिलाई करके हम दिखाते हैं। इसको सजाने के लिए ये और ये, इसकी सजावट के लिए हमने ये लगाया है। यहाँ लगेगा ये, जैसे यहाँ लगा है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये भी लगेगा मोती।